हम जा रहे हैं यॉर्क से एडिनबरा की तरफ। ये है एंजल ऑफ नॉर्थ, जो एक आर्ट स्कल्पचर है। हमारे पीछे है एलनविक कैसल, जहाँ पर हैरी पॉटर मूवी की शूटिंग हुई थी। स्वागत है आपका एक और नए दिन में। हम हैं स्कॉटलैंड में। अगर आप यूके आ रहे हैं और बजट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो कोशिश कीजिए कि कार हायर कर लें। एडिनबरा के जो मेन अट्रैक्शन है वो है रॉयल माइल, एडिनबरा कैसल और हॉलीवुड कैसल। हॉलीवुड पैलेस की पार्किंग के साथ ही है ये रास्ता, जो कि ऑथर सीट को जाता है। और पार्किंग के जो चार्ज हैं वो मंडे टू फ्राइडे हैं, सैटरडे संडे कोई चार्ज नहीं है पार्किंग का। चलिए अब हॉलीवुड पैलेस देखते हैं। हॉलीरोड पैलेस स्कॉटलैंड में क्वीन एलिजाबेथ सेकंड का ऑफिशियल रेजिडेंस है। एंट्री टिकट 16.5 pounds की है। सुबह 9:30 से 3:15 तक ये ओपन रहता है। जो लास्ट एंट्री है वो 3:15 तक होती है यहाँ पर। क्वीन एलिजाबेथ यहाँ पर जून के आखिरी हफ्ते से लेकर जुलाई के पहले हफ्ते के बीच में रहती हैं। उन दिनों यह आम पब्लिक के लिए बंद होता है। यह खंडर ऑगस्टिनियन हॉलीवुड एबे के हैं, जिसकी स्थापना सन 1128 ईस्वी में स्कॉटलैंड के राजा डेविड प्रथम द्वारा की गई थी। सन 1544 में हुए एक युद्ध के दौरान इस चर्च को बहुत नुकसान पहुंचा और बाद में सालों तक इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, जिसकी वजह से यह एक खंडर के रूप में बदल गई। इतिहास पर नजर डालें तो सन 1329 से यह पैलेस शाही परिवार का घर रहा है, जहां ना केवल शाही परिवार के लोग रहा करते थे बल्कि शाही परिवार के बहुत से राजा और सदस्यों को दफनाया भी गया था, जिनकी कब्र आज भी यहां मौजूद हैं। सन 1430 में स्कॉटलैंड के राजा जेम्स द्वितीय का ना केवल जन्म हॉलीवुड पैलेस में हुआ
बल्कि उनकी ताजपोशी भी यहीं हुई और मृत्यु के बाद उनको दफनाया भी यहीं गया। स्कॉटलैंड के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाला यह महल बहुत बार बनता और बिगड़ता रहा है। वर्तमान में हम महल के जिस रूप को देख रहे हैं उसका निर्माण सन 1671 ईस्वी में प्रारंभ हुआ और सन 1678 में यह बनकर पूरा हुआ और इसका डिजाइन आर्किटेक्ट सर विलियम ब्रूस द्वारा बनाया गया था। उसके बाद समय समय पर बदलते वक्त के साथ हॉलीवुड पैलेस का नवीनीकरण होता रहा है। सन 1920 से यह स्कॉटलैंड के मोनार्क का ऑफिशियल रेजिडेंस है। हॉलीवुड पैलेस के विषय में एक और बात प्रचलित है, यह कि एक महिला जिसका नाम एग्नेस सैमसन था को सन 1591 में जादू टोना करने के आरोप में सजा के तौर पर कासल हिल पर जिंदा जला दिया गया था, जिसका भूत हॉलीवुड पैलेस में घूमता दिखाई देता है। अब किसी और अट्रैक्शन पे चलते हैं यहाँ से बाहर निकल के। हॉलीवुड कासल की जो एंट्री टिकट है वो 1500 इंडियन रुपीज़ के आसपास है और ज़्यादा कुछ देखने को है नहीं अंदर। कुछ पेंटिंग्स वगैरह और भी थी जो वीडियो नहीं बनाने दी, तो आप देख लीजिएगा उस हिसाब से। लेकिन एक फ़ायदा है कि वो टिकट जो है वो एक एंट्री पास है जो पूरे साल तक वैलिड रहता है। उस पर नाम लिख दिया जाता है टिकट पे आपका और आपके सिग्नेचर हो जाते हैं, और जब भी आप आएंगे तो एक वैलिड आईडी प्रूफ के साथ जिसमें आपके सिग्नेचर हो वो एंट्री वैलिड है। उस टिकट से आप एक साल के अंदर चाहे कितनी भी बार हॉलीवुड कैसल के अंदर एंट्री कर सकते हैं। अब हम देखेंगे रॉयल माइल। एडिनबरा 15वीं शताब्दी से स्कॉटलैंड की राजधानी है और लंदन के बाद यूनाइटेड किंगडम का सबसे बड़ा फाइनेंशियल सेंटर है। अपनी खूबसूरती की वजह से एडिनबरा लंदन के बाद यूके का मोस्ट विजिटेड टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जहां पर प्रतिवर्ष लगभग 50 लाख लोग घूमने आते हैं, जिनमें से लगभग 25 लाख विदेशी टूरिस्ट होते हैं। जनसंख्या के हिसाब से एडिनबरा ग्लासगो के बाद स्कॉटलैंड का दूसरा बड़ा शहर है। एडिनबरा की कुल आबादी लगभग 5 लाख है और इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 700 स्क्वायर किलोमीटर है। यह शहर स्कॉटलैंड की राजनीति का केंद्र है, जहां स्कॉटिश पार्लियामेंट और स्कॉटिश सुप्रीम कोर्ट स्थित है। यही नहीं, यूके की रानी हर मजिस्ट्री क्वीन एलिजाबेथ सेकंड का स्कॉटलैंड में ऑफिशियल रेजिडेंस भी एडिनबरा में है, जिसको पैलेस ऑफ हॉलीवुड कहते हैं। एडिनबरा का ओल्ड और न्यू टाउन दोनों ही यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की श्रेणी में आते हैं। दोपहर के 3 बज चुके हैं और पहले कुछ खा पी लिया जाए, उसके बाद कुछ और देखेंगे। बिल आया है 45 pounds। चलिए अब आगे चलते हैं। ये थी जॉर्ज स्ट्रीट, पीछे जॉर्ज फोर्थ का स्टैचू भी है और इसके सामने है प्रिंसेस स्ट्रीट। प्रिंसेस स्ट्रीट से सामने वाली साइड जो है वो ओल्ड एरिया है एडिनबरा का, जो कि बहुत ही खूबसूरत है, और प्रिंसेस स्ट्रीट से उसका जो व्यू है वो बहुत ही अमेजिंग लगता है। प्रिंसेस स्ट्रीट मेन शॉपिंग स्ट्रीट है एडिनबरा की और उसके सामने से ही ओल्ड एरिया स्टार्ट हो जाता है। एडिनबरा ओल्ड टाउन का बहुत ही अच्छा एक व्यू स्कॉट मॉन्यूमेंट के पास से दिखता है। स्कॉट मॉन्यूमेंट जो है वो प्रिंसेस स्ट्रीट पर ही है
जब आप प्रिंसेस स्ट्रीट पर आएंगे तो स्कॉट मॉन्यूमेंट आपको दिख जाएगा और उसके पास ही लगे बेंच पे से बैठकर इस खूबसूरत सिटी का बहुत ही अच्छा खूबसूरत एक व्यू आपको देखने को मिलेगा। अगर आप कार से नहीं आ रहे हैं एडिनबरा और आपको ट्रेन से आना है या बस से आना है तो भी बहुत इजी है एडिनबरा आना। लंदन से आप ट्रेन लेकर एडिनबरा आ सकते हैं। वेवरली स्टेशन बिल्कुल सेंटर में है एडिनबरा के। और अगर आप फ्लाइट से आ रहे हैं तो एयरपोर्ट से एडिनबरा सिटी सेंटर तक 100 नंबर बस आती है जो सिर्फ 4.5 पाउंड लेती है एयरपोर्ट से सिटी सेंटर पहुँचाने के। काफ़ी आसान है यहाँ एडिनबरा आना लंदन से और यूके के दूसरे शहरों से। मैं स्कॉटलैंड 2017 में भी एक बार आया था और शाम के वक्त इस रॉयल माइल पर बहुत ही चहल पहल थी उस वक्त, और आज बिल्कुल खाली है ये रॉयल माइल और उसकी वजह है कोरोना वायरस। हम दुआ करते हैं कोरोना वायरस की प्रॉब्लम से पूरी दुनिया को जल्दी से आज़ादी मिले। और पिछली बार मैं जिनके साथ आया था वो मेरे प्यारे दोस्त मेरे बड़े भाई कपिल भाई थे यहाँ पर। मिसिंग यू कपिल भाई, मिसिंग यू यार, यहाँ पर चलते हुए आपकी बहुत याद आ रही है भाई। हॉलीवुड पैलेस से सीधा चलते चलते रॉयल माइल की तरफ एंड में आ जाता है एडिनबरा कासल। एडिनबरा कासल सुबह 9:30 बजे खुलता है और 5:30 बजे बंद हो जाता है। एडिनबरा कासल की जो टिकट प्राइस है अंदर जाने के लिए वो 19.5 पाउंड है, लेकिन अगर आप ऑनलाइन बुक करते हैं तो 17.5 पाउंड में एडिनबरा कासल की टिकट मिल जाती है। अगर सुबह 9 बजे टूर स्टार्ट कर दिया जाए तो एडिनबरा को एक दिन में घूमा जा सकता है। एडिनबरा कासल और हॉलीवुड पैलेस और जो यहाँ चर्चेज वगैरह हैं वो एक दिन में देखी जा सकती हैं। एडिनबरा एक बहुत ही सुंदर जगह है। ज़िंदगी में एडिनबरा को एक बार ज़रूर देखिएगा और अगर यूके आए तो एडिनबरा को बिल्कुल भी मिस ना कीजिए। आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं और यहाँ से चलेंगे लिवरपूल। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।
आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। थैंक यू।